रूपनगर भू माफिया हाय हाय रूप हाय भू माफिया हाय हाय भू माफिया हाय हाय भू माफिया हाय हाय भू माफिया नगर भू माफिया हाय माफिया हाय हाय रूपनगर भू माफिया भू माफिया जिन्होंने जगह को ग्रैब करा है। ये 100 कनाल जगह थी, 100 कनाल जगह में से एक परिवार कोई गुजर नहीं, एक परिवार कह रहा हूं, उस परिवार ने इस जगह को कैप्चर करके रखा हुआ था। सियासतदानों को थोड़ी थोड़ी जगह देता था, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आज पहली बार उपराज्यपाल आया, पहली बार उपराज्यपाल आया जिसने 2016 की जगह मिली हुई मैं बुब्बा मुफ्ती के समय अलॉटमेंट की हुई, आज कोर्ट का ऑर्डर के आने के बाद भी उसको डाने का दम किसी के अंदर नहीं था, लेकिन थोड़ी जगह रह गई है। मैं श्रीमान जेडीए के वीसी से कहना चाहता हूं, श्रीमान मुखोत्रा जी से और धीरज गुप्ता से और डीसी जम्मू से और डिविजनल कमिश्नर रागर लंगर जी से, ये भू माफिया चलने वाला नहीं है। भू माफिया कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, दरख्त उसको गिराना चाहिए नीचे। और गरीब समय प्लीज सर, आने वाले समय में सर लगेगा कि लगेगा नहीं आपको, और दिखने के लिए आपको दिखेगा। एक आया था ना डीसी जिसने सारे सियासतदानों की जगह सांबा केंद्र हटा कर दी, दिखा नहीं आपको? वो डीसी जिसका नाम क्या था या तब नहीं दिखा, और अगर दिख रहा है तो फिर आप देखने का प्रयास करो, ऐनक चढ़ा करके आप भी बातें करना बंद कर दो, और जब दिख रहा है उसको देखो किस तरह से 2016 से लेकर के 2022 तक इस सारी जगह को जो इलीगल जिसके पास भी है, इनक्रोचर कोई भी है, भू माफिया कोई भी है, अब उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से जाएगा, चलता होगा, और वो भू माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहने वाला है उसका।